डियर स्टूडेंट्स, अब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं हम चैप्टर 16 का। आपने देखा होगा पिछले लेक्चर में ही जो ओवरव्यू से रिलेटेड है, चैप्टर 16 में हर्ड और ग्रीवियस हर्ड और एक और चीज़ है जो अमेंडमेंट्स आई है, एसिड अटैक। इनको हम एक्रोनिम से अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ही हर्ड को एच से, ग्रीवियस हर्ड को जीएच से, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ना कंज्यूम हो चार्ट बनाने और समझने में। ये हर्ड ग्रीवियस हर्ड के प्रोविजन जैसे मैंने आपको बताया 319 से ले करके 338 तक हैं। थ्री नाइनटीन से लेकर के 338, 39 से फिर आगे रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के प्रोविजन। इसमें दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, क्योंकि बड़े ये एस्टेब्लिश कॉन्सेप्ट हैं और एसिड अटैक उसी का स्पेसिफिक फॉर्म फिर रिकग्नाइज किया गया 2013 से, क्योंकि एक मेनेंस होता जा रहा था ये। तो इसको हम पहले थोड़ा फ्लो चार्ट से समझते हैं कि है क्या। देखिए, एक चीज़ है हर्ट कब हो गया, पहले इसको ज़रूरी था डिफाइन करना कि हर्ट कब हो गया। फिर दूसरी चीज़ क्या, हर्ट हो जाने से पकड़ लेंगे किसी और को, गफलतन हो गया, जानबूझ के नहीं हुआ, तो इसीलिए कब कहा जाएगा वॉलेंटरीली हर्ट हो गया। और तीसरी चीज़ कब इसकी पनिशमेंट आएगी, इसी के प्रोविजंस हैं हर्ट के अलग, ग्रीवियस हर्ट के अलग। थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रिकी है तो मेमोराइज करने में दिक्कत होती है। अब इसको मैं बता रहा हूँ आपको आसान तरीका, जिससे आप ये जहन नशीन कर लें, वो ये है कि हम इस तरफ हर्ट लिख लेते हैं और इस तरफ हम ग्रीवियस हर्ट लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरफ हम ये लिख लेंगे। देखिए, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, इसको समझना इस तरह है कि हर्ट के प्रोविजंस क्या है। 319 है, इसको मैं इसे रेड वाले से लिख लेता हूँ। हर्ट के प्रोविजंस क्या है, सेक्शन 319 है जिसमें डिफाइन किया हर्ट क्या है। अब एक छोड़ के एक लिखेंगे हम दोनों तरफ और लास्ट में दो को मिला देंगे। देखिए क्या बता रहा हूँ मैं, 319 डिफाइंस हर्ट, और फिर 321, 20 छोड़ दिया ना, 20, 21 डिफाइंस वॉलेंटरीली कॉजिंग हर्ट। फिर इसी की तरह 22 छोड़ दिया तो हमने लिखा इसमें 323 एंड 324, दो फिर एक साथ लिखे हमने लास्ट में। ये फिर है, देखिए इनको हम अभी चार्ट बनाएंगे, अभी मैं बस नाम ले रहा हूँ, हर्ट, वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट, पनिशमेंट फॉर कॉजिंग हर्ट, और पनिशमेंट फॉर वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट बाई डेंजरस वेपन्स और मीन्स। यही मिरर इमेज यहाँ मिलेगी आपको। देखिए, 19 लिखा, 320 लिख लेंगे, ग्रीवियस हर्ट यानी डेफिनेशन इसकी। अच्छा, और 21 हो गया, 22 लिख लेंगे सीधे, 322 वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट इसकी डेफिनेशन, और फिर 23 हो गया, 24 हो गया तो 325 एंड 326, फिर से वही वॉलेंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट और वॉलेंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ डेंजरस वेपन्स और मीन्स 326 में है। तो इस तरह से हम ये समझ लेंगे कि 319 से लेकर के 326 तक हमारी ये प्रोविजंस खत्म हो जाएंगे। यही सिलेबस का मेजर पार्ट है, आगे भी है इसमें, मैंने बोला 338 तक स्ट्रेच कर रहा है, लेकिन वो हमें पढ़ना नहीं है। तो ये हो गए, ये देखिए इस तरह है, 19 इधर, 20 इधर, 21, 22, फिर 23, 24, 25, 26, इस तरह समझना है। अभी एक और तरीके से भी मैं ये समझा दूंगा फिर से आपको, लेकिन हमें यहाँ एक चीज़ और समझनी है कि दो सेक्शंस दोनों तरफ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इधर एक, एक इधर एक, एक इधर ये 334, ये हमेशा रिलेट कर दीजिएगा 334, और ये 335 इधर। दिस ऑल यानी इसका जो पनिशमेंट है ना, ये दो प्रोविजंस दे मस्ट बी रेड अलॉन्ग विद दिस, इनको सब्जेक्ट टू दिस पढ़ना है, दीज टू प्रोविजंस हैव टू बी रेड सब्जेक्ट टू दिस। अभी ये बहुत बोरिंग लगेगा सुनते हुए या पहली रीडिंग में, लेकिन बेयर एक्ट को जब आप देखेंगे सच में यह बहुत ब्यूटीफुल क्लासिफिकेशन है। और ये 325 और 326 दे मस्ट बी रेड एंड अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू दिस। 335 है क्या इन दोनों में, इन दोनों में डिफेंस थोड़ा पार्शली मिटिगेटिंग फैक्टर में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को रेकग्नाइज किया है। यहाँ कॉजिंग हर्ट
जिसे सिंपल हर्ट भी हम कहते हैं 319 के अंदर, वो वाला हर्ट, कॉजिंग हर्ट बाय ग्रेव और अपॉन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, जो हमने वहां पढ़ा था याद होगा आपको, और यहां भी वही है, कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट अपॉन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, दीज टू एक्ट एज मिटिगेटिंग फैक्टर्स। तो अगर हर्ट प्रूव हो गया, सजा कुछ और है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट में, और अगर डेंजरस वेपन्स और मीन से किया तो सजा कुछ और है 324 में। लेकिन अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, इफ दैट हर्ट और ग्रीवियस हर्ट वॉज कॉज्ड, और दैट हर्ट बाई यूज ऑफ डेंजरस वेपन्स और मीन्स वॉज कॉज्ड अपॉन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम ए पर्सन, तो 334 में उसकी सजा कम हो जाती है, इट एक्ट एज अ मिटिगेटिंग फैक्टर। सिमिलरली 335 में वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट अपॉन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन एक्ट एज मिटिगेटिंग फैक्टर। ये हमने पहले भी पढ़ लिया ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, लेकिन वो हमने एज अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस याद होगा आपको मर्डर का पढ़ा था सेक्शन 300 में, एक्सप्लेनेशन एक्सेप्शन वन रहा था, एक्सेप्शन वन जो था ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। अब आपको एक चीज याद होगी, लेकिन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को वहां दो तीन चीजें रेगुलेट कर रही थी, याद होगा आपको कि प्रोविजोज थे तीन एक्सेप्शन वन के, दैट इज ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कब कब नहीं मिलेगी, यानी कि वो तीन एक्सेप्शन आपको याद होंगे कि पब्लिक सर्वेंट का एक्ट है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में है, और दैट एक्सप्लेन ग्रेवेंस एंड प्रोवोकेशन वॉज नॉट सॉट और वॉलंटरली प्रोवोक्ड, याद होगा आपको 1, 2, 3 प्रोविजोज में है। वही चीज यहां पे रिकग्नाइज की गई है, इसको मैं बीच में लिख लेता हूं एक्सप्लेनेशन वन, ये 335 की एक्सप्लेनेशन है, लेकिन कहती क्या है, दोनों पे एप्लीकेबल है, ये इस पे भी एप्लीकेबल है, इस पे भी एप्लीकेबल है। एक्सप्लेनेशन वन ऑफ 335 सेज दैट द लास्ट टू सेक्शंस, इन पे भी वही एक्सप्लेनेशन एप्लीकेबल है जो 300 का ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्लॉज है, सब्जेक्ट जिन प्रोविजोज को वो है उन्हीं प्रोविजोज को ये दो सेक्शंस का जो एक्सप्लेनेशन है, ये दोनों सेक्शंस का ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्लॉज वो होगा, 335 का एक्सप्लेनेशन वन है ये, which recognizes that these two last two sections 34 and 35 they are subject to the same provisos as exception 1 jo hai 300 ka, yaad hoga aapko exception 1 to section 300 जहाँ तीन था, दैट द प्रोवोकेशन वॉज नॉट सॉट और वॉलेंटरली प्रोवोक्ड, नंबर वन कि जानबूझ के नहीं प्रोवोकेशन मांगा, नंबर टू दैट कि किसी पब्लिक सर्वेंट के एक्ट के अगेंस्ट नहीं था ये, और जब वो लॉफुल सर्विस अपनी कर रहा था, और थर्ड दैट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के में नहीं मिलेगा। ये एक तरीका है इनको समझने का, जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोविजन इस तरह 319 से 326 तक समझे जाएंगे, 19 में हर्ट को डिफाइन किया। अब हम इनको दूसरे तरीके से लिख लेते हैं, उस तरीके से आपको ज़्यादा मज़ा आएगा समझने में, लेकिन ये भी ज़रूरी है, ये दोनों चार्ट साइड बाई साइड आप ड्रॉ करिएगा ताकि आपको समझ में आए। अगर आप थोड़ा तेज़ हो गया हो वीडियो के दौरान तो आप पॉज करके भी देख सकते हैं और फिर चार्ट ड्रॉ कर लें, ठीक है। अब हम इस तरह कर लेंगे, ठीक है, हम कॉमन चीज़ लिख लेंगे, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर हर्ट, और हर्ट के बाद यहाँ लिखेंगे, ये इस तरफ हर्ट लिखेंगे, इस तरफ लिखेंगे ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, इस तरफ हमने हर्ट लिखा, इस तरफ ग्रीवियस हर्ट लिखा, इसी तरह यहाँ लिखेंगे वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट, ये वॉलेंटरली है हर्ट, और इधर लिखेंगे वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। पहले कहा था आपको एब्रिवेटेड फॉर्म में चलेंगे ताकि जल्दी हो जाए, इसी तरह हम आगे बढ़ के लिखेंगे, हम सेक्शन नंबर साथ साथ लिखेंगे ताकि आप कंफ्यूज न हो जाए मैं क्यों डाल रहा हूँ ये। हर्ट की डेफिनेशन जो है, ये तो हर्ट की डेफिनेशन 319 में है और ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन 320 में है, 320, 321 और 322 है ना, वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट और वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या है, पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, और यहाँ क्या है, पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। इसके लिए हमें यहाँ कौन सा प्रोविजन मिला हुआ है, हमें यहाँ मिला हुआ है 323 ऑब्वियसली, 323, और यहाँ मिला हुआ है हमें फिर 324 को भी यही लिख लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन हो, हम सीक्वेंस से चल रहे हैं, 324 चूँकि इसी तरफ है तो उसमें क्या है, पनिशमेंट फॉर वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स, ये अलग से रिकग्नाइज किया है, एक तो हर्ट कॉज करना,
बट डेंजरस वेपन्स और मीन्स कौन से हैं? डेंजरस वेपन्स एंड मीन्स, वेपन्स और मीन्स, और मीन्स, वेपन्स एंड मीन्स नहीं, वेपन्स और मीन्स, ये दोनों वहाँ वहाँ रिकग्नाइज किए गए हैं कौन कौन से हैं। तो इसी तरह से हमें यहाँ क्या मिलेगा, पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, और पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स, ये हो गया हमारा। अब देखिए सेक्शन नंबर यहाँ रह गया है 323-324, 325 और 326, ठीक है। बाकी हमने दो वो पढ़े सब्जेक्ट, अब हम इसको बीच में से अलग कर लेते हैं, और दिस ऑल यानी ये जो दो प्रोविजंस हैं पनिशमेंट के, ये और ये, दिस इज सब्जेक्ट, दीज टू प्रोविजंस आर सब्जेक्ट टू 334, जानते हैं आप, कॉजिंग हर्ट अपॉन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन अभी बताया था आपको। इसी तरह से ये दो प्रोविजंस जो है हमारे पनिशमेंट के, दीज आर सब्जेक्ट टू 335, वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट उसकी पनिशमेंट अपॉन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, और बाकी आपको मैंने बताया था दीज टू, ये खुद इन पे वही एक्सेप्शन वन एप्लीकेबल है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की, जो सेक्शन 300 की है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी केस लॉ में नहीं एस्टेब्लिश किया गया है, ये खुद बजाय खुद एक्सप्लेनेशन वन कह रही है सेक्शन 335 की, कि दैट दीज लॉज टू सेक्शंस आर सब्जेक्ट टू द सेम प्रोविजंस और प्रोविजोज एज एक्सेप्शन वन ऑफ सेक्शन 300। तो ये हो गया हमारा। देखिए अब हम पहले पढ़ लेंगे प्यूनिटिव क्लॉजेज, क्योंकि वो समझना पहले ज़्यादा मज़ेदार लगेगा, बाद में उसकी तरफ जाते हैं कि हर्ट कब हो गया, ग्रीवियस हर्ट कब हो गया। देखिए जो हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं ताकि हमें अभी ड्रॉ करने में आसानी हो, अगर वॉलेंटरली हर्ट कॉज किया तो पनिशमेंट अलग होगी, फिर हर्ट कॉज किया बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स तो अलग होगी। अब ऑब्वियस है अगर ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के इफेक्ट में किया, क्योंकि मर्डर कन्वर्ट होता था कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, वो एक्सेप्शन तो था मिटिगेटिंग फैक्टर के नेचर का था, बिल्कुल छोड़ा नहीं पाता था एक्यूज्ड को, जैसे जनरल एक्सेप्शन में छुड़ाता है, वैसे ही यहाँ पे भी मिटिगेटिंग फैक्टर होगा, ये पनिशमेंट को कम करा देगा, बिल्कुल एब्सॉल्व नहीं कराएगा क्रिमिनल लायबिलिटी से। तो देखिए पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट क्या है, वो 1 ईयर्स होती है, ये अब इसको कहाँ एडजस्ट करें, देखिए ये है, यहाँ लिख लेता हूँ 1 ईयर, तो चल 1 ईयर, 1 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट है वॉलंटरी कॉजिंग, ये आप यही नोट कर लीजिएगा, 1 ईयर शेल बी लायबल फॉर पनिशमेंट फॉर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ विच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर, या फिर और 1,000 रुपीज फाइन, 1,000 फाइन और बोथ, या दोनों होंगे, ठीक है। ये हो गया वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट 323 में। इसी तरह 324 में अब अगर वॉलेंटरली ये कॉज किया उसने हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स, अब मैं यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा पुनिटिव क्लॉज को डिस्कस करने से पहले, डेंजरस वेपन्स और मीन्स बहुत सारे रिकग्नाइज किए हैं 324 ने और 326 ने, क्योंकि ये है ग्रीवियस हर्ट कॉज करना डेंजरस वेपन्स और मीन्स से, और ये है हर्ट कॉज करना, और वो बहुत सारे मीन्स हैं और दोनों के सेम मीन्स हैं, जैसे स्टैबिंग है या कटिंग है, और जिस चीज़ को एज वेपन ऑफ डिफेंस यूज़ किया जाता है, यानी राइफल हो पिस्टल हो, उस चीज़ से हर्ट कॉज किया, या फिर बाय मीन्स ऑफ फायर है, बाय मीन्स ऑफ एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है, या बाय मीन्स ऑफ एनीथिंग विच इज़ ए सब्सटेंस विच इज़ डिलीटेडियस टू ह्यूमन बींग्स, जो इंसानों के लिए नुकसानदेह है, बाय मीन्स ऑफ इनहेलिंग स्वलोइंग और रिसीविंग इन टू ब्लड, और बाय एनी मीन्स ऑफ एन एनिमल। देखिए सारे मीन्स को वहाँ कवर किया है, क्योंकि इसको एग्जॉस्टिवली समझना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये मीन्स वहाँ रेफर ज़रूर कर दीजिएगा कॉमेंट्री में, कि ये इन मीन्स को डेंजरस माना गया है, डेंजरस वेपन्स और मीन्स, या तो वेपन्स या मीन्स, इन एनिमल से कॉज कराया, इनहेल करवाया, या ब्लड में इन्फ्यूज करवाया, या पॉइजन के जरिए से, कोरोजिव सब्सटेंस के जरिए से, या हीटेड सब्सटेंस से, गर्म चीज़ से दाग दिया। तो हर्ट अगर इन चीज़ों से कॉज किया ग्रीवियस, सॉरी हर्ट, सिंपल हर्ट जिसे हम कहते हैं, तो 3 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट होगा इस केस में, 3 ईयर्स और फाइन और बोथ, और फाइन, यहाँ फाइन की अमाउंट नहीं बोली है, ऊपर फाइन की अमाउंट बोल दी है। अब देखिए अब दोनों हालतों में, अगर दोनों में से एक से दोनों केसेस में उसको एक्सेप्शन का बेनिफिट मिल गया जो 334 में है,
ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी मैंने इसलिए रेफर कर दिया ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग आए इसकी। तो फिर क्या होगा, सज़ा कम हो जाएगी और बहुत सिंपल सी सज़ा है इसकी, 1 month इम्प्रिजनमेंट। 1 month है, याद रखिएगा, ईयर नहीं है, 1 month। और 500 रुपीज़ फाइन, 500 ये फाइन है, और बोथ इन हालत दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है, 1 month और 500 रुपीज़ फाइन और बोथ। अब चलते हैं उस तरफ जब वॉलेंटरली उसने ग्रीवियस हर्ट किया। अगर ग्रीवियस हर्ट किया, ये वाला वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट 325 में, याद रखिएगा, इसमें पनिशमेंट है 7 years प्लस फाइन, एंड फाइन है, फाइन में डिस्क्रिशन नहीं है जज को, और फाइन नहीं है, फाइन लगाना ही लगाना है, 7 years प्लस फाइन। और ये 326 में क्या है, 10 years प्लस फाइन, सिंपल है ये, 10 years प्लस फाइन, ठीक है, ठीक। तो अब अगर इसको एक्सेप्शन का बेनिफिट मिल गया 335 में, तो फिर 4 years है। देखिए यहाँ 1 month था सिर्फ, यहाँ 4 years है। ये आप चार्ट अगर आप बनाएंगे ना, आप कभी नहीं भूलेंगे पनिशमेंट क्या है। हमने तो कई साल पहले इसको बनाया था एक दिन, और ऐसे ही ये चीज़ें फिर जहन में नक्श हो गई, 4 years और 2000 रुपीज़ फाइन और बोथ, ये है। फिर से बता रहा हूँ आपको, इनमें अभी हम जाएंगे, हर्ट 19 में डेफिनेशन है, 20 में ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन, 21 में है वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, इधर है 22 में वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, फिर ये 23, 24, ये पनिश करता है, ये पनिशमेंट बताता है, पीनल प्रोविजन ये दो हैं 23, 24 इन रिस्पेक्ट ऑफ हर्ट। अगर इन रिस्पेक्ट ऑफ हर्ट पीनल प्रोविजन रीड करने हो, तो आप नोट्स में लिखिएगा, सेक्शन 323, 24 एंड 25 आर पीनल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू हर्ट, वाइल 23 कवर्स पनिशमेंट फॉर वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, 24 कवर्स पनिशमेंट फॉर वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, एंड 334 एक्ट्स एज ए और सप्लांट्स मिटिगेटिंग फैक्टर इन केस ऑफ वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट और वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट बाई मीन्स बाई वे ऑफ डेंजरस वेपन्स और मीन्स, और इसमें पनिशमेंट कम हो जाती है। एंड सिमिलरली इसमें भी आप बोलेंगे कि पनिशमेंट फॉर वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट 325 में है, एंड इफ दैट ग्रीवियस हर्ट voluntarily caused is caused by means of dangerous weapons or means, it is punishable under 326, and these both section both two penal provisions are subject to the exceptional ground or situation recognized under 335, which is grave and sudden provocation. Both the sections or both the provisions of grave and sudden provocation are subject to explanation one of section 300, जैसे प्रोविजोज, सॉरी प्रोविजोज जो है वही प्रोविजोज यहाँ भी एप्लीकेबल है, प्रोविजोज है, याद रखिएगा, इट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजोज, वही तीन प्रोविजोज जो हमने बताए थे। तो अब हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ, मे बी आज ये पूरा नहीं हो पाए, बट कोशिश करेंगे हम। तो सिंपल डेफिनेशन है, तीन चीज़ों को हर्ट में रिकग्नाइज किया है एज हर्ट, ठीक है। ये देखिए हर्ट किसे कहते हैं, एक तो है लेमैन का कहना, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया, या मैं तुम्हारी बात से हर्ट हो गया, तो क्या वो क्रिमिनल लॉ उस चीज़ को मानेगा, ये हमें 319 में आंसर मिल जाता है। 319 कह रहा है कि सुनिए, आपकी बात रख लीजिए अपने पास, हम कह रहे हैं, और क्रिमिनल लॉ यही कह रहा है कि हुएवर कॉजेज बॉडीली पेन, बॉडीली पेन इन तीन चीज़ों में से एक चीज़ की, डिजीज और इन्फर्मिटी, और है एंड मत लिखिएगा, और इन्फर्मिटी, तीनों में से एक चीज़, आइधर ये किया, ये किया, ये किया, बॉडीली पेन, सॉरी। अब अगर मेंटल पेन हो गया, वो हरासमेंट क्रूल्टी में आ सकता है, अगर रिलेशनशिप ऑफ मैरिज है या कोई और है, बट हर्ट नहीं हो सकता। यहाँ हर्ट से मुराद है फिजिकल हर्ट, इसीलिए बॉडीली पेन लिखा हुआ है, बॉडीली पेन, डिजीज और इन्फर्मिटी। डिजीज एक एलिमेंट भी हो सकता है, जैसे एक केस में कहा गया था कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सिफिलिस जो है, ये भी हर्ट हो सकता है, और इसी तरह इन्फर्मिटी, इन्फर्मिटी टेम्पररी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। परमानेंट अगर उस नेचर की हो गई जो 320 में रिकग्नाइज की गई है ग्रीवियस हर्ट, तो वो ग्रीवियस हो जाएगी, लेकिन इन्फर्मिटी टेम्पररी भी हो सकती है, थोड़ी देर के लिए उसके आंखों की रोशनी चली गई, हर्ट है वो, अगर थोड़ी देर के लिए, बहुत टेम्पररी हो गया। तो बॉडीली पेन, डिजीज और इन्फर्मिटी, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, हुएवर कॉजेज बॉडीली पेन, डिजीज और इन्फर्मिटी टू एनी पर्सन, जिसने भी कॉज किया बॉडीली पेन, डिजीज और इन्फर्मिटी टू एनी पर्सन,
अब देखिए, अब हम चलते हैं, अब हर्ट हर्ट ही की सीरीज में चलेंगे। वॉलेंट्री फिर हर्ट कैसे कॉज किया जाएगा, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट। 319 हो गया, ये हर्ट है, और 321 वॉलेंटरीली कॉजिंग हर्ट। अब इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है सेमेस्टर फर्स्ट में, वो ये कि हमने वहाँ एक अच्छा वर्ड पढ़ा था जो लॉ में बड़ा यूज़ होता है मेंजरिया को एक्सप्रेस करने के लिए, वो है वॉलेंटरीली। और इंडियन पिनल कोड में एक सेक्शन है, सेक्शन 39, जो इसको डिफाइन करता है। आपने देखा वहाँ पे तीन मीन से इंडियन पिनल कोड में जहाँ भी वॉलेंटरीली वर्ड यूज़ होगा, तो तीन मीन से वॉलेंटरीली यूज़ किया माना समझा जाएगा, वो किया जा सकता है वॉलेंटरीली। क्या, अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलेंटरीली व्हेन ही कॉजेज इट बाई मीन्स वेयर बाई ही इंटेंडेड टू कॉज इट, एक तो इंटेंशन, और बाई मीन्स विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स ही न्यू, या तो उसको नॉलेज थी, एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स ही न्यू और हैड रीजन टू बिलीव टू बी लाइकली टू कॉज इट, रीजन टू बिलीव, रीजन टू बिलीव। अब अगर इंसान ने, देखिए हर्ट को क्या है, क्या हम हर्ट पे इंसान को सजा दे देंगे? नहीं, हर्ट सिर्फ पे तो नहीं देंगे। मिसाल के तौर पर मेट्रो में घुसने के लिए थोड़ा धक्कम धक्का हो गया, दूसरे को लग गई, उसने हर्ट तो कॉज किया, बिकॉज हुएवर कॉजेज पेन, बॉडीली पेन, डिजीज और इन्फर्मिटी सेड टू कॉज हर्ट। डेफिनेशन तो यही है, हुएवर कॉजेज बॉडीली पेन, डिजीज और इन्फर्मिटी टू एनी पर्सन इज सेड टू कॉज हर्ट। याद रखिएगा, चूंकि इसमें कोई भी मेंजरिया का वर्ड नहीं है, देखिए हर्ट की डेफिनेशन में हुएवर कॉजेज बॉडीली पेन, डिजीज, इन्फर्मिटी टू एनी पर्सन इज सेड टू कॉज हर्ट, तो इतने पे इसलिए पनिश नहीं करेंगे। मेंजरिया जरूरी है, जानबूझ के हर्ट किया, इसीलिए लाया वर्ड वॉलेंटरीली। अब इसलिए मैंने 39 पे वापस ले गया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वॉलेंटरीली कॉज करने के किसी चीज़ के तीन मीन्स होते हैं, और अगर इन तीनों पे पकड़ते थोड़ा ज़बरदस्ती हो जाती, ज़्यादती हो जाती, तो दो को तो रिकग्नाइज कर दिया, एक को छोड़ दिया। ये जो रीजन टू बिलीव वाला है इसको छोड़ दिया। इसीलिए आप देखेंगे इस सेक्शन के 321 के टाइटल में जो नाम है, उसका नाम तो है वॉलेंटरीली कॉजिंग हर्ट, मगर अंदर उसकी ड्राफ्टिंग में वर्ड वॉलेंटरीली यूज़ नहीं किया है। अगर करते वॉलेंटरीली यूज़, तो 39 ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता। तो अगर इंसान फिर कोई ऐसा एक्ट करता इन विच ही हैड अ रीज़न टू बिलीव कि इससे शायद बॉडीली पेन और डिजीज और इन्फर्मिटी हो सकती है, उस पे भी वो हर्ट कॉज करने के लिए पकड़ा जाता। इसलिए इस गुंजाइश को, रीज़न टू बिलीव वाले क्लॉज को हटा दिया, और सिर्फ दो चीज़ों पर पकड़ा, एक इंटेंशन पर, अगर इंटेंशन था या नॉलेज था कि इससे हर्ट कॉज हो रही है। मिसाल के तौर पर तीर चलाया ऐसे, और तीर लग गया किसी के, हल्का फुल्का तीर लग गया बाजू में, और उसको मामूली सी चोट आई, जख्म हो गया, तो ये हर्ट है। अब अगर इसको इंटेंशन था तो पकड़ा ही जाएगा, नॉलेज थी इस चीज़ की कि साहब उसको लग सकती, वो वहाँ खड़ा है, तो पकड़ा ही जाएगा। रीज़न टू बिलीव बड़ा वीक मेंजरिया है, लॉ उस पर एक ड्यूटी कास्ट करता है, तुम्हें पता होना चाहिए था, इसलिए इस पर नहीं पकड़ेंगे। आप देखिए इसकी ड्राफ्टिंग पे सेक्शन 321 की, कि क्या करे इंसान, हुएवर डज एनी एक्ट, क्या करे, एक एक्ट करे, हुएवर डज एनी एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाई कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन, ये दूसरा, ये एक्ट एक्ट सीरियस में, तो एनी एक्ट, कोई भी एक्ट करे, ये एक्ट कैसे करे, मेंजरिया ये है कि मेंजरिया इसका हो या तो इंटेंशन, विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाय कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन, और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली, और या दूसरा, उसको नॉलेज हो, ये दो मेंजरियाज हैं, और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली टू कॉज हर्ट टू एनी पर्सन। अब अगर उसने एक्ट किया, और एक्ट करने के बाद ये इंटेंशन ऑफ हर्ट था या नॉलेज ऑफ हर्ट, अच्छा ये देखिए नॉलेज के साथ क्या जोड़ा है, दैट ही इज लाइकली टू कॉज टू हर्ट टू एनी पर्सन, नॉट दैट पर्सन जिसकी तरफ एक्ट किया जा रहा है, यानी ए ने बी को थप्पड़ मारा विद द इंटेंशन ऑफ हर्टिंग हिम, तो नॉलेज तो है ही, क्योंकि इंटेंशन इंटेंशन नॉलेज के मंजरिया से ऊपर है, तो ए ने ए स्लैप्ड बी, बी को ना लगा चांटा, सी को लगा, तो एनी पर्सन इसीलिए डाला कि ये भी हर्ट है, क्यों नहीं है हर्ट, देखिए फिर से, हूएवर डज एनी एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाय कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन और विद द नॉलेज दैट इज लाइकली टू कॉज हर्ट टू एनी पर्सन एंड
डज देयर बाय कॉज हर्ट 20% इज सेट टू वॉलंटरली कॉज हर्ट। तो एक्ट था, इंटेंशन था, प्लस रिजल्ट आना जरूरी है, ये रिजल्ट यानी एंड डज कॉज हर्ट। यही आपको ग्रीवियस हर्ट में भी दिखेगा कि उसने एक्ट किया, इंटेंशन या नॉलेज था, और प्लस रिजल्ट आना जरूरी है। यानी इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि जिसने भी मिठाई खानी चाहिए इस गरज से कि मेरे मुंह में मीठा आ जाए और सच में मिठाई खा ली, उसे चोर, मिठाई चोर कहा जाएगा। ये बस मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे ही ग्रीवियस वर्ड हर्ट में मिलेगा आपको कि जिसने भी कोई एक्ट किया इस इंटेंशन या इस मालूमात या इस इरादे से कि मैं किसी को हर्ट कॉज करूंगा, किसी को, एनी पर्सन, नॉलेज थी या इंटेंशन था, और फिर सच में हर्ट कॉज हो गया, इन्हें हर्ट कॉज हो गया, बॉडीली पेन, डिजीज और इन्फर्मिटी हो गई, तो कहा जाएगा इस इंसान ने वॉलेंटरीली हर्ट कॉज किया। अब अगर इसने ये किया, यानी 321 एप्लीकेबल हो गया कि एक्ट पाया गया, इंटेंशन पाया गया, रिजल्ट पाया गया, रिजल्ट इस नेचर का था, बॉडीली पेन, डिजीज और इन्फर्मिटी, तो फौरन इसके खिलाफ लॉ एक्टिवेट हो जाएगा और सेक्शन 323 एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी पनिशमेंट आ जाएगी इसके लिए कि आपने साहब हर्ट वॉलेंटरीली कॉज किया है। वॉलेंटरीली अक्सर आप इसलिए चार्जशीट में देखेंगे, जो मामूली लड़ाइयाँ होती हैं मारपीट की, उसमें अक्सर चार्जशीट में होता है 323 या होता है 325 या 326, अब जो भी डिपेंड कर रहा है कैसा केस होगा, 323 लिखा होगा जो FIR में, तो इसका मतलब इस पर चार्ज है वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट का। इसी तरह अगर लिखा है 325 तो वॉलेंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट का। बड़ी लड़ाइयाँ जो फरीकाइन में होती हैं उसमें अक्सर 325 का चार्ज होता है। तो अगर ये वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट के लिए गिल्टी पाया गया और ये 334 की एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं ले पाया, तो तब तो आप जानते ही हैं, अभी हमने डिस्कस किया, उसको 3 साल की सज़ा मिलेगी, सॉरी 1 साल की सज़ा मिलेगी और 1,000 रुपये का जुर्माना, या बोथ, 1 ईयर और 1,000 रुपीज़ और बोथ, और अगर इससे तो 1 मंथ, 1 ईयर, 1,000 और बोथ, और यहाँ पे 1 मंथ, 1 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट या 500 रुपये जुर्माना और बोथ, ये अगर इसका बेनिफिट मिला। ये हो गया हर्ट आज। अगले सेक्शन में, अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वॉलेंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, और थोड़ा सा इसको रिपीट भी करेंगे ताकि एक लेक्चर आपको ऐसा मिले जिसमें ये अंडरस्टैंडिंग सारी एक साथ आ जाए, और केस लॉज ब्रीफली कुछ डिस्कस करेंगे। मगर याद रखिएगा, इसमें प्रोविजन ज़्यादा समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत की केस लॉज से। कोई ऐसे सेटल्ड लॉ नहीं है केस लॉज के ज़रिए से जिसने ज्यूरिसप्रूडेंस को बहुत ज़्यादा मोड़ दिया हो हर्ट या ग्रीवियस हर्ट की क्रिमिनल लॉ ज्यूरिसप्रूडेंस के रिस्पेक्ट में। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। हैव अ नाइस टाइम।